शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या है सब? क्या है ये सब? है ना? इससे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों, क्या है सब? सागर, किसने किया ये सब? मैं कहीं मोदी खाने के काबिल भी नहीं बची। सब कुछ खत्म हो गया सागर। सब कुछ खत्म हो गया। मतलब तुमने नहीं किया ये सब? सागर तुम पागल हो क्या? मैं ये सब करूंगी। किसने किया ये सब? कहाँ चले जाऊँ? मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ देने के लिए। कहीं नहीं जाऊँगा मैं। नहीं नहीं, रो मत रो मत। नहीं 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 नहीं, ये लो टिफिन। थैंक यू माम। और हाँ, पूरा खाना खत्म किया करो। जी। बाय पापा। बाय बाय। मुझे मंदिर जाना है, चल साथ में चलते हैं। चल। चल। अच्छा, मुझे चाय नहीं मिलेगी? हाँ मिलेगी। ये लीजिए अपनी चाय। हाँ, मुस्कुरा भी दिया करो। बस बस, ये रोमांटिक बातें ना आपके मुंह से बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये उस फोटो वाले के साथ ही किया करें, ज्यादा अच्छा लगता है। प्यार से बात कर लो तो बीवियों के भाव बढ़ जाते हैं। सुधा देखो कोई है। आपका कोरियर है। सागर, यहाँ आइए। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रही है अपना? ये क्या है? क्या है ये? बैंक से पेपर आया, आपने 50 लाख का लोन लिया, उसी के पेपर आए। ओ, मतलब ये रहे तुम्हारे गारंटी के पेपर और ये रहा मेरा साइन। मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? जरूर उसी चुड़ैल के पास जा रहे होंगे। चुप रहोगे तुम? देखिए सर, EMI मैं नहीं भरूंगी। EMI वो चुकाएंगे जिनके पेपर्स गारंटी के तौर पे आपके पास रखे हुए हैं। सो प्लीज आप उनको कॉल कीजिए, मैं फोन रखती हूँ। नैना, क्या है सब? तूने तो मुझसे कहा था कि तू 5 लाख का लोन ले रही थी और तूने 50 लाख का लोन ले लिया और वो भी मेरी प्रॉपर्टी पे। इसका EMI कौन भरेगा? कौन भरेगा इसका EMI? देखो सागर, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने लोन ले ली और ये। ये फूफा जी, ये किस लड़की के साथ है? ज्योति, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तू अपना ससुराल छोड़ के यहाँ नहीं आती तो सागर मुझसे कभी दूर नहीं जाते और ना उस चुड़ैल के चक्कर में फंसते, समझी तू? भाभी बस भी करो, कब से सुनाई जा रही हो? कब से कब अंकित के सामने तो मत लड़ो। अंकित से छुपा ही क्या है? अरे उसे भी तो सब पता होना चाहिए कि उसका बाप और उसकी बुआ घर की कैसे बर्बादी कर रहे हैं। अंकित तू अंदर जा बेटा। माँ
माँ बुआ आप दोनों लड़ो मत प्लीज। अंकित तेरी बुआ ने कहा ना तू अंदर जा। भाभी आप सारी गलतियों के लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती हैं। गलती आपकी है, आपको जो भैया को प्यार देना चाहिए वो तो आपने दिया नहीं, इसीलिए भैया दूसरी औरतों के चक्कर में पड़े और सारी गलती आप मुझ पर डाल रही हैं। हाँ हाँ तुम दोनों भाई बहन तो दूध के धूले हैं, बाकी पूरी दुनिया खराब है। हाँ हाँ हम दोनों भाई बहन बहुत खराब है, दूध की धुली तो सिर्फ तुम। आ गए तुम उस चुड़ैल से मिलकर। क्या कहा उसने, कहीं धक्के मार कर घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? देखो मेरा मूड बहुत खराब है, तुम अलग से मूड खराब मत करो, चुप रहो तो मेरे हाथ से कुछ हो ना जाए। हाँ हाँ मारो पीटो मुझे और पैसे उड़ाओ उस चुड़ैल पे। क्यों उसको गुस्सा नहीं दिखाया? गुस्सा क्यों दिखाओगे उसके सामने? एक काम करो, ये नैना और दीपक दोनों के डिटेल्स निकलवाओ और इनको पुलिस थाने लेकर आओ। ओके सर। सर मुझे यहाँ क्यों लाया था? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है? एक आदमी की प्रॉपर्टी हड़प ली, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया और कह रहे कि कुछ नहीं किया है। सर ये बात सच है कि मैंने उसे धोखा दिया, मैंने उसके प्रॉपर्टी पे लोन लिया, लेकिन मैंने उसका मर्डर नहीं किया है सर। मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुमने उसका मर्डर नहीं किया तो तुम्हारे पार्टनर ने किया होगा, क्यों मिस्टर दीपक? नहीं सर, हम दोनों ने उसे बेवकूफ जरूर बनाया लेकिन हमने उसे मारा नहीं है। अगर तुमने नहीं मारा तो उस रात उसके घर क्यों गए थे? तुम्हारे मोबाइल लोकेशन की पूरी हिस्ट्री हमारे पास है। सर मैं बताता हूँ, दरअसल ज्योति ने मुझे फोन करके बुलाया था, उसे पता चल गया था कि मैं और नैना एक दूसरे से मिले हुए हैं, इसलिए उसके फोन आने पर मैं कल रात उसे मिलने गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इतना किसी गिर सकते हो। तुमने नैना का इस्तेमाल किया मेरे भैया को बर्बाद करने के लिए। अरे मैं तो तुम्हारे पास आने के बारे में सोच रही थी, भैया से बात भी करने वाली थी, लेकिन अब मैं तुम्हें तलाक दूंगी। नहीं नहीं ज्योति प्लीज तुम मुझे तलाक मत दो। देखो मैं मानता हूँ कि नैना को मैंने ही सागर के करीब जाने के लिए कहा था और वो फोटोग्राफ्स वो भी मैंने ही रखवाए थे ताकि तुम्हारे घर पर क्लेश पड़े और तुम परेशान होकर मेरे पास लौटाओ। मैं ये सारी बातें सागर भैया को बताकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा और वो 50 लाख रुपये वाला कांड उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, वो सब नैना का किया धरा है। प्लीज मेरी बात का यकीन मानो प्लीज। अगर तुम सच बोल रहे हो ना तो कल सुबह आकर भैया से माफी मांग लेना। अभी जाओ यहाँ से। ठीक है। देखिए सर हम दोनों ने किसी को नहीं मारा, उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता, प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। ठीक है, भले ही तुम दोनों ने किसी का कत्ल ना किया लेकिन धोखाधड़ी के केस में तुम दोनों अंदर जाओगे क्योंकि कानून गुनहगारों को कभी छोड़ता नहीं है। सॉरी सर। सागर मैडम केस से रिलेटेड एक क्लू मिला है। अंकित कब तक रोएगा बेटा ऐसे, चल कभी कुछ खा ले, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। सर आप लोग इस वक्त यहाँ? हम इसे अरेस्ट करने आए। इसे क्यों अरेस्ट करने आए? क्योंकि ज्योति और सागर का इसी ने खून किया है। क्या ये तुम्हारा है ना? अंकित मंदिर से तेरे नाम का ताबीज बनवाया है, ले जल्दी से इसको पहन ले, अब ना तुझे किसी की भी नजर नहीं लगेगी। ज्योति जी, ज्योति के पोस्टमार्टम के समय हमें उसके मुट्ठी से मिला था, हो सकता है मरते वक्त उसके हाथ में आ गया हो और सुबह जब बॉडी अकड़ गई थी तो हमें दिखाई नहीं थी। अब सच बताओगे तुमने दोनों को क्यों मारा? बुआ जी सारा सच सबको बता ना दे इसीलिए मुझे मजबूरन मारना पड़ा और फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सो गया।
अंकित एक बार मुझसे बात कर लिया, एक बार मुझसे पूछ लिया था क्यों किया तूने ऐसा, क्यों किया? सॉरी माँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। देखिए, आप लोग के साथ जो हुआ वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं। अरेस्ट करो इसे। अंकित